हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, एंड वी आर बैक विद अनदर कंटेंट, जिसमें कि मैं आज आपको एक प्रोडक्ट दिखाऊंगा। बेसिकली एक रिव्यू और अनबॉक्सिंग वीडियो होने वाला है। बाकी जो फुल रिव्यू तो मैं आपको बाद में बता पाऊंगा, अपने ब्लॉग के दौरान मैं आपको बताऊंगा कि इसका कंफर्ट कैसा है और बाकी चीज़ें कैसी हैं। बट राइट नाउ अनबॉक्सिंग करते हैं सबसे पहले इस प्रोडक्ट की। तो गाइस, ये हमारा प्रोडक्ट जो कि फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था मैंने, और ये हमारा कार्बोनाइडो का टर्टल बैग। तो टर्टल बैग ये है आपका, ठीक है। सो ये बैग है कुछ इस तरीके से, ठीक है, बैग देख लो। और ये भी थाई बैग है, ठीक है। थाई बैग आप समझ ही गए होंगे किस तरीके से इसको, मतलब यहाँ पे इस तरीके से बांधने के लिए। ये चीज़ स्ट्रैप कमर पे आता है और ये आपके लेग पे। तो इसकी जो कॉस्ट मेरे को पड़ी है, वो कॉस्ट देखो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो 1677 को मतलब कैंसिल करके 1290 लिखा है। लेकिन मैं आपको बताऊँ, ये प्रोडक्ट मेरे को पड़ा है 900 का फ्लिपकार्ट से, ठीक है। पहले मुझे 950 का पड़ा था, और 950 पे कुछ ऑफर्स लगाने के बाद 900 का पड़ा ये बैग। फुल ब्लैक कलर का है ये। इसका कुछ कंपार्टमेंट है, देखो आप, अगर आपको दिख रहा है तो ये कंपार्टमेंट है। इसमें एक नेट वाला भी एक वो है स्ट्रैप, मतलब ठीक है कुछ। तो एक कंपार्टमेंट ये है इसका, दूसरा कंपार्टमेंट इसका ये है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, इसमें भी नेट लगा रखे हैं, ठीक है। और इस नेट का मैं आपको फ़ायदा बताता हूँ, ठीक है। पहले आप ये देखो कि यहाँ पे 2 GB हैं, ठीक है, दो पॉकेट्स ये हो गई, और एक मेजर पॉकेट ये है मेन, ठीक है, ये मेन पॉकेट हो गई, एंड ये एक और नेट वाली पॉकेट है, ठीक है। और इसका मैं आपको यूज़ बताता हूँ, जैसे कि आप राइड पे हो और आपने कोई इस पे सामान डाला, ठीक है, अपना फ़ोन डाला या वॉलेट डाला, तो उसके बाद वो आपने डाला तो यहाँ साइड से ना गिर जाए, इसलिए नेट लगी हुई है, ठीक है। बहुत यूज़फुल है, और ये इसमें की रिंग का भी होल्डर दे रखा है, बहुत अच्छी चीज़। और फिर आपके पास ये देखो, ये आपका ऑक्स केबल का है। बेसिकली आज के टाइम पे कोई ऑक्स केबल यूज़ करता नहीं, बट इन्होंने प्रोवाइड करा है इसमें, ठीक। बाकी इसमें ये कुछ हुक्स हैं, बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हुक्स हैं, मतलब क्या ही बताऊँ मैं, बहुत ही प्यारे, ठीक है। बिल्ड क्वालिटी ऐसी है कि ऑसम बिल्ड क्वालिटी। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर इसके फैब्रिक की बात करूँ मैं, तो ये हार्ड शेल है, ठीक है, और ये हार्ड इतना हार्ड है, आप मतलब अगर मतलब आपको पता लग पा रहा होगा, ठीक है, तो ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन ये फिर भी ठीक है। पीछे से ये फुल कुछ फील दे रहा है, मतलब रैक्सिन और क्लोथ मिक्स, मतलब कैसा बोलूँ मैं, मेरे को भी ऐसा मतलब रैक्सिन तो नहीं है, बट ये बहुत अच्छी क्वालिटी का है, ठीक है ना। और यहाँ एक बकल मिल जाता है आपको, स्ट्रैप, बकल स्ट्रैप है, ठीक। तो अभी मैं आपको उसको पहन के दिखाता हूँ, इस तरीके से ये लुक देता है। तो ये इसका साइड लुक है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। ये यहाँ कमर पे स्ट्रैप आ जाता है, एंड ये इस तरीके से आप इसको पहन सकते हैं। तो बाकी इसके रिगार्डिंग आपको कोई क्वेश्चन होगा गाइस, तो आप पूछ सकते हो मेरे से, इंस्टाग्राम पे आप लोग DM कर सकते हो मेरे को, ठीक है, एंड वहाँ मैं आपको आपके क्वेश्चंस के जवाब दूंगा इस बैग के रिगार्डिंग, ठीक है। फ़िलहाल जो बैग मेरे को लग रहा है, ये बहुत ही गजब लग रहा है, ठीक है ना, बहुत ही मतलब औसम क्वालिटी का लग रहा है। अभी पहन के मैं बैठ रहा हूँ तो कंफर्ट है इसमें, ऐसा कुछ वो नहीं है, ठीक। और आप अपने मतलब राइड के दौरान कोई भी गियर्स वगैरह, मतलब ऐसा होता है ना कि गियर्स में पॉकेट होती है, तो गियर्स की जो पॉकेट होती है उतनी कम्फर्टेबल नहीं हो पाती है। लाइक मैंने चेस्ट पॉकेट यूज़ करी है राइना उसकी जैकेट की, तो ठीक है, मतलब अच्छी है, बट ये है ना कि एक अगर आपके पास मेजर
कुछ चीज़ें इसमें आप सामान रख सकते हो अपने पास, अपने क्लोज टू दैट, मतलब टैंक बैग पे नहीं, क्लोज टू दैट जैसे आपके वॉलेट और फ़ोन हो गए, तो उसके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। और जिस रेट में मेरे को पड़ी है यार, उस रेट में तो मैं आपको क्या बताऊँ, इतनी ब्रांडेड चीज़ है तो मेरे को तो बहुत ही ऑसम लगी, ठीक है, अगर मेरे से पूछोगे आप फ़िलहाल के लिए। एंड बाकी जो मेन इसका फुल रिव्यू है और फुल कंफर्ट है, मैं आपको राइड के दौरान बताऊँगा, आगे जो मेरे ब्लॉग्स आएंगे उनमें। ऐसे ही और ब्लॉग्स के लिए गाइज आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल, एंड शेयर करना वीडियो को अगर वीडियो अच्छा लगा, और लाइक करना वीडियो को। और मिलते हैं फिर गाइज, टिल देन बाय बाय। Push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make.